हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। क्या कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -2। ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? तो चलिए कैसे करेंगे इसको। ये होती है हमारी परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और ये होती है हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो देखो एक रिलेशन होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट एंड इन दोनों में क्या होता है, सी इज इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एक हमारा रिलेशन होता है एक तरह से, ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है इसमें और इसमें रिलेशन। ठीक है, अगर आपको याद आ जाएगा एक्स्ट्रा कर जाएगा तो ठीक है। ठीक, अब इसको जब ऊपर लेके जाओगे, अभी मत लेके जाओ इसको, है ना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर अजी एक तरह से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। और ये एक तरह से क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड हो चाहे कोई सा भी स्पीड हो, वेलोसिटी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या, उसकी डायमेंशंस क्या होती है, LT-1। तो वही डायमेंशंस इसके भी हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं आगे, ये क्या कह रहा है, डायमेंशंस ऑफ 1/2 की पावर एप्सिलॉन नॉट इनटू E² वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली एक तरह से ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है हमारा, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशंस क्या होते हैं हमारे, ML2T-2 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशंस होते हैं L³। तो यहाँ से क्या होगा, ML2 और ये वाला पावर ऊपर जाएगी तो L³-3-2, तो यहाँ से क्या बनेगा, ML-1T-2। तो हमारे इसके ये डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।